हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर गंगा चोटी के नाम से जो मशहूर टेकरी है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर हम बैठे हैं। तो यहाँ का मौसम देखकर रब तआला की याद एकदम नज़र आती है, रब तआला की शक्ल नज़र आ रही है कि रब तआला ने कितनी खूबसूरत इस जगह को बनाया है। हम यहाँ से होकर एक मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज हम हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीरियों को ऊपर जुल्म और बर्बरियत की हिंसा करता है मोदी, और इसकी ये ख्वाम ख्याली है कि मैं कश्मीरियों को अपने उस जालम और जाबराना इकदाम के साथ मैं कश्मीरियों को यरमाल बना लूँगा या उनको ग़ुलाम बनाऊँगा, तो मैं इस आज़ाद कश्मीर की इस गंगा चोटी पर खड़े होकर हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मोदी ये आपकी गलत सोच है, यही सोच अगर तेरी जारी और सारी रही तो वादा शरीक की कसम हिंदुस्तान से भी तुझे हाथ धोने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से होकर इस चोटी के ऊपर से होकर अपने इन स्वास्थ्य के भाइयों से पूरे से लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं इमरान खान को यहाँ से होकर मुबारकबाद देता हूँ कि उसने जिस तरह मसला कश्मीर को इंटरनेशनल दुनिया के ऊपर हाईलाइट किया, और वह वक्त दूर नहीं जब इमरान खान की क़यादत में ये कश्मीर का मसला हल होगा। तो मैं एक नारा लगाऊंगा, आप नारे का जवाब देना है, कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा मैसेज।